हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा अस्थाना आज आपको संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। बच्चों, कल मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, आज उसका आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए अब लेसन स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक देखिए, प्रणाति यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो यद भर्तुर्रेव हितम इच्छति तत् कलत्रम् तं मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियम् यद एकत्रयम् जगति पुणेकृतो लभन्ते। देखिए बच्चों, प्रणाति का अर्थ है प्रसन्न करता है, सुचरितैः यानी अच्छे आचरणों के द्वारा, भर्तुर्रेव अपने पति का ही, कलत्रम मीन्स स्त्री, आपदि यानी विपत्ति में, पुण्यकृतो यानी पुण्यशाली व्यक्ति। अब देखिए अर्थ, आप प्रणाति यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो, ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे आचरण के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न रखता है, अपने अच्छे आचरण के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न रखता है, ऐसा पुत्र जो अपने पति का ही हित चाहती है, ऐसी स्त्री, कलत्रम का अर्थ है स्त्री, जो अपने पति का ही हित चाहती है, ऐसी स्त्री जो विपत्ति और संपत्ति अर्थात सुख और दुख में समान भाव से व्यवहार करता है, ऐसा मित्र। ये तीनों ही चीजें जगति में, संसार में पुण्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होती हैं। समझ में आ गया बच्चों कि ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखता है, ऐसी स्त्री जो अपने पति का ही हित चाहती है, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है, ये तीनों ही जगत में, संसार में पुण्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मात्रम मंगलानाम धेनुः धीराः सुनृताम वाच माहुः। विद्वानों ने, यहां से शुरू करते हैं, विद्वानों ने शुद्ध शांत और हर प्रकार के कल्याण को जन्म देने वाले सत्य और प्रिय वाणी को, सुनृताम माने सत्य और प्रिय वाणी को, ऐसी गाय के समान कहा है, धेनु मीन्स गाय, ऐसी गाय के समान कहा है जो कामान दुग्धे, कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करती है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता का नाश करती है, अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का नाश करती है, कीर्तिम सूते, सूते मीन्स यश फैलाती है, यश को पैदा करती है, कीर्ति मीन्स यश, यश को पैदा करती है, यश को फैलाती है, दुष्कृतम माने पापों को, और हर प्रकार के पापों को, हिनस्ति का अर्थ है समाप्त करती है, नष्ट करती है। फिर से देख लीजिए कि विद्वानों ने शुद्ध शांत और हर प्रकार के कल्याण को जन्म देने वाली सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी गाय के समान कहा है जो कामनाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को बढ़ाती है, और हर प्रकार के पापों को नष्ट करती है। आगे देखिए बच्चों, व्यतिषजति पदार्थानांतरः को अपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम्
द्रवति च हिमरश्मा बुद्गतेः चंद्रकांतः। कोई आंतरिक कारण, आंतर मीन्स आंतरिक कारण, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, व्यतिषजति मीन्स मिलाता है, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। खलु मीन्स निश्चित ही, निश्चित ही प्रीते मीन्स प्रेम, निश्चित ही प्रेम बाह्य कारणों पर आधारित नहीं होता। ही मीन्स क्योंकि, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही, पतंगस्य उदय माने सूर्य के उदय होने पर ही, पुंडरीकम का अर्थ है कमल, सूर्य के उदय होने पर ही कमल विकसति का मतलब है खिलता है, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है, द्रवती का अर्थ है पिघलती है। वैसे देख लीजिए, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, निश्चित ही प्रेम बाह्य कारणों पर आधारित नहीं होता, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। आगे देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम नधीराः। नीति में निपुण लोग चाहे निंदन्तु में से निंदा करें, चाहे स्तुति करें, स्तुति करें मतलब प्रशंसा करें, नीति में निपुण लोग चाहे हमारी निंदा करें चाहे हमारी प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु माने आए, यथेष्टम का अर्थ है इच्छा अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार, गच्छतु का अर्थ है चली जाए। नीति में निपुण लोग चाहे हमारी निंदा करें चाहे हमारी प्रशंसा करें। लक्ष्मी चाहे आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्येव, अद्य प्लस एव, आज ही, मरणम यानी मृत्यु हमारी चाहे आज ही हो या युगांतरे वा या युगों बाद हो, मृत्यु आज ही हो या युगों बाद हो, पर धीरा धैर्यशाली व्यक्ति, धैर्यशाली पुरुष न्याय के पथ से एक कदम भी विचलित नहीं होते। अगला देखिए, ऋषियों हो राक्षसी माहुः वाच मुन्मत्त प्रदीप्तयोः सायोनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निर्वृतिः। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी, उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह हर प्रकार के वैरों को, योनि मीन्स जन्म देती है, वह हर प्रकार के वैरों को जन्म देती है और संसार की विपत्ति का कारण होती है। निर्वृति ही मन विपत्ति का कारण होती है। कौन? उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी। समझ आया बच्चों आपको? आप ये 6 क्वेश्चन है, इनके आंसर 8 साइड के स्टूडेंट्स को करने हैं, साइंस साइड और कॉमर्स साइड के बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर नहीं आते, 8 साइड के बच्चों को करने हैं, तो आप एक बार इसे भी देख लें।
पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थिनः किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्यागना चाहिए, संस्कृत में आंसर देना है आपको। विद्यार्थिनः सुखम त्यजेत, कल पढ़ाया था आपको, विद्यार्थिनः सुखम त्यजेत। अगला है, धीमताम कालः कथम गच्छति, धीमताम का अर्थ है बुद्धिमानों का, धीमताम कालः किस प्रकार बुद्धिमान व्यक्तियों का समय व्यतीत होता है, धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय अच्छी पुस्तकों के चर्चा में व्यतीत होता है, मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है, मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहम च व्यतीतम गच्छति, कीदृशम मित्रम वर्जयेत, किस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जयेत, पुंडरीकम कदा विकसति, कमल कब खिलता है, पुंडरीकम पतंगस्योदय विकसति, सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, धीराः कुतः पदम न प्रविचलन्ति, धैर्यशाली व्यक्ति कहां से अपने पैरों को विचलित नहीं करते, धीराः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें।